तो हाँ भी भाइयों, कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया हो गए यार। और वेलकम बैक एक नई वीडियो में। तो यार, एक ये छोटी सी वीडियो मैंने आप सबको ये बताने के लिए बनाई थी कि जो अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है, उसकी ऑफिशियल एक्सेसरीज अब आ चुकी हैं विद प्राइस लिस्ट। और जैसा आप सभी को पता होगा कि यार, हमने भी एक स्कॉर्पियन बुक करा रखी है, उसकी भी आपको ट्रैकिंग दिखा देता हूँ। अभी मैंने लॉगिन करा ही हुआ था। तो यहाँ पे आप जाओगे माई बुकिंग्स के अंदर, जब आपने लॉगिन कर लिया है माई बुकिंग के अंदर जाके भाई, यहाँ पे कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा, स्कॉर्पियो NZ2। जैसे आपको पता है हमने बेस मॉडल बुक कराया था मैनुअल पेट्रोल का। यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑर्डर कन्फर्म्ड, इंट्रोडक्टरी प्राइस, और अगर डिलीवरी डेट की बात करोगे तो बस इस पर आपको क्लिक करना है ट्रैक माई बुकिंग पे। और भाई, यहाँ से आपको सारा दिख जाएगा। ये आ गया ऑर्डर अंडर प्लानिंग, और व्हीकल अभी हमारा बनना शुरू नहीं हुआ है, और ये डिलीवरी डेट हमें मिली है अगले साल 17th of February की। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीने का वेटिंग पीरियड आया अपने बेस मॉडल पे, जो कि मतलब ठीक ठाक यार। मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे से तो मतलब ठीक ही आ गया। बट चलो, अब चलते हैं भाई जिसके लिए वीडियो बनाई है। तो यार, इसके ऑफिशियल एक्सेसरीज़ के लिए ना आपको क्या जाना है, M2 मॉल करके महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरीज़ का साइट होता है, ये है। तो आपको M2 मॉल पर जाना है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी महिंद्रा की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये TUV 300, महिंद्रा XUV700, थार, बोलेरो। तो अब यहाँ पे आप जाओगे तो आप ये देखोगे, यहाँ पे पहले स्कॉर्पियो एन नहीं थी, तो अभी स्कॉर्पियो एन ऐड हो गई है। ये स्कॉर्पियो भी यहाँ पे स्कॉर्पियो ही लिखा रहे, स्कॉर्पियो क्लासिक नहीं करा है इसको पुराने वाली को, बट ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ऐड हो गई। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो भाई ये देखो, यहाँ पे आपको सारी एक्सेसरीज आपके सामने आ चुकी हैं, A to Z जो भी इसमें लग सकती हैं। ये भाई महिंद्रा का रूफ कैरियर, ये सेंटर लॉकिंग वाली फ्लिप की, जैसे कि Z2 में शायद सिर्फ फ्लिप की आती है, रिमोट वाली सेंटर लॉकिंग नहीं आती, उस पर बटन नहीं होते। अगर आपने Z2 की मॉडल की कोई वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, तो उसके अंदर यार अपनी वो नहीं आती है, मतलब बटन वाली चाबी नहीं आती है, सिर्फ फ्लिप की आती है, ऐसे उस पर बटन नहीं होते हैं। तो ये Z2 मॉडल के लिए एक की आ गई है भाई, ये क्रोम मोल्डिंग आ गई आपके पीछे की, ये आपका एंटी थेफ्ट नट आ गया अलॉयज के लिए। तो मतलब ये एक नट होता है जो आपकी नॉर्मल पाने से नहीं खुलता है, इसके अलग चाबी लगती है, तो इससे आपका अलॉय चोरी होने से बच जाता है। भी और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक कंफर्ट किट है, इसमें आपको पिल्लोज वगैरह कुशनिंग वगैरह मिल जाती है, ड्राइविंग में काफ़ी हेल्प हो जाती है। ये आपके सारे क्रोम के पार्ट्स हो गए हैं, ये बॉडी लाइन वाला क्रोम है, बम्पर वाला है, पीछे वाला, ये आगे की फ्रंट ग्रिल है। तो भाई बेस मॉडल में जो हमारे ये ऐसे फ्रंट ग्रिल होती है ना, ये भी आपकी आती है उसमें ग्लॉसी ब्लैक में आती है, ये क्रोम एलिमेंट नहीं होते। तो आप Z2 पे लगा सकते हो, मतलब मैं अपने वेरिएंट की बात करूँ, मैं तो Z2 बुक कराया है। एंड उसके बाद अगर आप और नीचे जाओगे तो भाई आपके पेडल्स आ गए, दो हैं तो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए है। उसके बाद ये सीट कवर आ गए भाई, 11,600, 13,000। अच्छा, और ये प्राइस है, एक और चीज़ है भाई, जो ये प्राइस है सिर्फ आपकी पार्ट की प्राइस है, मतलब इसकी जो लेबर कॉस्ट होगी, मतलब इसका तरीका क्या होता है, आप इसको यहाँ से, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये अगले टैब में खोल के, आप इसको यहाँ से भाई ऑर्डर करोगे अपनी डीलरशिप पे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे पिन डाल के दिखाऊँ, 09, तो ये भाई हमारा पंचकुला का कोड है। तो यहाँ पे आ गया डिलीवरी अवेलेबल। तो भाई आप ये बाय नाउ जब इस पर करोगे तो आपको डीलरशिप का एड्रेस मांगेगा, जबकि डीलरशिप पर डिलीवर होगी आइटम, जैसे सपोज ये सीट कवर है, और ये सीट कवर का 11,600 आप पहले पे करोगे, और इसकी फिटमेंट के चार्जेस आप डीलरशिप पे अलग से पे करोगे। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, ऑल फिटमेंट टू बी डन बाय महिंद्रा डीलरशिप ओनली, इंस्टॉलेशन चार्जेस टू बी पेड एट डीलरशिप। तो भाई आप ये मत सोचना कि सीट कवर दिखा रहे हैं यहाँ पे 11,600 के, तो इतने के ही पड़ेंगे। इसके ऊपर भी भाई एक लेबर कॉस्ट लगने वाली है, वो मुझे नहीं पता कितनी होती है, आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉल बैक कर सकते हो, वो आपको कॉल करके मैं भी बता देंगे कि कितनी आपकी इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, जैसे छोटी चीज़ों की कम होगी, बाकी ये सीट कवर वगैरह की थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये आप ऑर्डर करने से पहले रिक्वेस्ट कॉल बैक कर सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई कितनी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी गाड़ी पर लगने के बाद। और बाकी यार, आफ्टर मार्केट तो सीट कवर सस्ते मिल ही जाते हैं, मतलब सारी एक्सेसरी सस्ती मिल जाती हैं, पर जो एक आप एजेंसी से चीज़ लेते हो, उसकी यार थोड़ी क्वालिटी में तो फ़र्क आता है, वो थोड़ी सुपीरियर क्वालिटी की होती है। बाकी मैं तो रिकमेंड करूँगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है किसी भी चीज़ में इंक्लूडेड, जैसे यार ये आपकी सेंटर लॉकिंग वाली चाबी है, और मैंने एक नीचे यहाँ पे स्कफ प्लेट देखी थी, एल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट। तो भाई ऐसी चीज़ें तो आप एजेंसी से ही लगवाओ। बाकी जैसे सीट कवर हैं, मड फ्लैप हैं, ये मैट्स हैं, जो एक्सटीरियर एक्सेसरीज हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रिक कनेक्शन का कोई काम नहीं है, वो
यार आप बाहर से करवा सकते हो, वो आपको सस्ता पड़ेगा, और बाकी वो आप सस्ते ही लगवाओ ताकि आप बोर हो जाओ तो आप उसको दोबारा चेंज करवा सको, तो उसमें इतना कुछ रोल नहीं होता। अब जैसे एल्यूमिनेटेड स्टफ प्लेट है, इसमें कपलर टू कपलर कनेक्शन होएगा, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा आप डीलरशिप से ही जाके लगाओ, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि इसकी फिटमेंट कैसे होनी है। और बाकी अगर भाई ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये ना डेलिकेट होती हैं, कल को अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब भी हो जाए तो भाई आप डीलरशिप पर जाओगे, आपकी सुनवाई तो हो जाएगी, आपकी बात सुन तो लेंगे, या बाहर से आफ्टर मार्केट से डलवाओगे 2 दिन बाद भी अगर ख़राब होगी तो कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला कि भाई ख़राब होगी, रिप्लेस करो, कुछ करो। जो आपको डीलरशिप से चीज़ मिलती है उसकी एटलीस्ट थोड़ा टाइम की वारंटी तो होती है। तो भाई ये बॉडी कवर है स्कॉर्पियन के, ये भी आप बाहर से डलवा सकते हो, इसमें भी कुछ इतनी वो नहीं है। बट इसमें काफ़ी सारी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, एक्सेसरीज अभी मिसिंग है, शायद ये लिस्ट पूरी अपडेट नहीं हुई है। अगर आप XUV700 की देखोगे तो वो लिस्ट इससे काफ़ी बढ़िया है। जैसे भाई जैसे स्कॉर्पियो N के बेस मॉडल में रिवर्स कैमरा नहीं आता, तो इसके एक्सेसरी लिस्ट में कोई भी रिवर्स कैमरा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वहीं अगर आप इसको चेक करोगे एक्सेसरी लिस्ट को XUV700 के लिए, तो यार उसके अंदर आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे को लग रहा है अभी एक्सेसरी लिस्ट अपडेट नहीं हुई है सारे उसके लिए, एक बार मैं देखता हूँ अगर मुझे XUV700 का मिलता है तो मैं आपको भी दिखाई देता हूँ। ये रहा XUV700, इसकी अगर हम एक्सेसरीज में जाएंगे यार तो यहाँ पे एक रिवर्स कैमरा की किट आती है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये गाड़ी अभी डिलीवर भी नहीं होनी शुरू हुई है, आज 14 सितंबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मे बी ये थोड़े टाइम में अपडेट हो लिस्ट और एक्सेसरीज आ जाएँ। जैसे ये देखो भाई 3500 की किट है, XUV700 रिवर्स पार्किंग कैमरा किट विद वायरिंग हार्नेस फॉर MX, मतलब ये बेसिक मॉडल्स के लिए है जिसमें रिवर्स कैमरा नहीं आता, तो ये भाई अभी स्कॉर्पियन के लिए नहीं है। और ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो अभी स्कॉर्पियन के लिए अपडेट नहीं हुई है, तो मतलब महिंद्रा धीरे धीरे इन पर काम कर रहा है, एंड फॉर श्योर ये आप आके खुद चेक कर सकते हैं एक एक एक्सेसरीज, और रिक्वेस्ट कॉल बैक करके बात भी कर सकते हैं महिंद्रा वालों से कि भाई इस पर कितना लेबर चार्जेस होगा क्या। आपको उसे M2 मॉल पर जाना है, M2 ऑल बाय महिंद्रा, एंड इस पर आपको सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी, और उसका प्राइस कंपेयर कर सकते हो यहाँ से भी और आफ्टर मार्केट से भी, और फिर आप अपनी महिंद्रा की उसमें डाल सकते हो। बाकी भाई अपनी बुकिंग का तो यह स्टेटस है, अपनी गाड़ी आएगी भाई 17 फेब से 19 मार्च के बीच में, और जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए भाई मिलते हैं अपनी एक अगली नई वीडियो में, एंड तब तक के लिए यार स्टे सेफ, और कुछ भी आपका फीडबैक हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं ज़रूर उसको सुनूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे सेफ एवरीवन, बाय।